एक है प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड जीटीपी। जीटीपी का मतलब ज्ञानोथेरेपी। ठीक है, ये दो चीज के बारे में हम आज बात करेंगे। प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्रोडक्ट डीएक्शन का प्रोडक्ट को पोजिशन कैसा करना, इसमें हम क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइक सोप, कॉफी, टूथपेस्ट, मोरिंजी, इसके अलग अलग हम बात नहीं करेंगे। वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का जो ट्रेनिंग होगा उसमें हम करेंगे। प्राइस स्लो मिलेगा और अदरवाइज रॉन्ग मिलेगा। यहाँ पे जो है सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट पोजिशनिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स टू कम। सही तरह से करेक्ट पोजिशनिंग करेगा तो आराम से वो साइड जा सकता है। बट वो देखो, हम गलत तरह से पोजिशन कर लेते हैं तो ये प्रेजेंटेशन का ये मकसद होगा आसान लगे। सो प्रोडक्ट पोजिशनिंग, इफ यू डोंट पोजिशन आवर प्रोडक्ट राइट, इट विल नॉट फेच रिजल्ट्स। सही ना? डीएक्शन प्रोडक्ट नीड टू बी पोजिशन इन सच ए वे सो दैट इट वोंट बी रिलेटेड फॉर इलनेस रादर फॉर वेलनेस। ये बहुत सही है। हमें कॉन्सेंट्रेशन को शिफ्ट करना है, जो ये 90% जो बीमार होने के लिए तैयार बैठा हुआ है, हम इससे मदद करेंगे सो दैट उसका जो बीमारी आने वाला है वो इतना जल्दी उसकी तरफ नहीं आएगा, वो तंदुरुस्त ज्यादा दिन जी सके, वो तंदुरुस्त ज्यादा दिन ये दुनिया में रह सके। इसके लिए ये 90% है ना, ये बहुत बहुत बड़ा मार्केट है। ये 90% में कॉन्विक्शन, इसका मतलब क्या है, सेल्स का मतलब 90% खुद कन्विंस होना प्रोडक्ट के बारे में, जबरदस्त कन्विंस खुद हो जाना ये प्रोडक्ट बेहतरीन से बेहतरीन ऑफिस में बोलना है किसी को सामान जी बात करेगा उसका पूरा बॉडी टोटल तो 3 स्टाफ है लेकिन 2 स्टाफ का मिले काफी है। सेलिंग 90% कन्विक्शन एंड 10% कृतिक खाना है। इसमें कोई केमिकल वाले फैक्ट्री में नहीं बना हुआ है। हाँ मे बी इसे पैकिंग किया है फैक्ट्री में बट इसने इसको बनाने हम लोग उसके मेंबर हैं, उसी को कोई भी मिलेगा फर्क को लखनऊ का तो हमारा लैंडलॉर्ड है यहाँ का 30 मेंबर ठीक है। अगर ये सीए है ये कन्वेंशनल मेडिसिन में बात करता है वो करेंगे आपकी बात वहाँ 100% मदद करेंगे। जो हमारा प्रोडक्ट हम डील करते हैं वी डील ऑन होलिस्टिक अप्रोच, पूरा बॉडी को ठीक करने का अप्रोच। और एक अप्रोच है सेगमेंटल अप्रोच, सिर्फ है इट्स ऑन प्रिवेंशन। और कन्वेंशनल मेडिसिन है उसका अप्रोच है ऑन क्यूर। नेचुरल प्रोडक्ट क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जो अब ये इट्स वर्क लाइक एन एंटीवायरस। ओके, वायरस आ जाएगा फिर भी खत्म करेगा, वायरस नहीं आएगा उससे भी रोकेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रिवेंशन। ये कन्वेंशनल मेडिसिन है, ये क्या है, वायरस आने के बाद काम कर सकता है, दैट्स ऑल। वायरस आ गया फिर काम करो, बट ये जो प्रिवेंशन का जो कॉन्सेप्ट है ये है वायरस आने का बाद भी काम करेगा बट वायरस ना आने में रोकने में भी ये काम करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंशन। तो इसका जो प्रोडक्ट है वी कॉल्ड सप्लीमेंट्स, एंड जो कन्वेंशनल मेडिसिन का जो प्रोडक्ट है वो ड्रग। सप्लीमेंट का मतलब क्या है, सप्लीमेंट मतलब ये है जो चीज हमारे लिए पूर्ण नहीं मिलता है उसे सप्लीमेंट करो, उसे एडिशनली लेकर आओ। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट्स। पूरक आहार। ये जो कन्वेंशनल मेडिसिन है इट्स फुल्ली ऑन ड्रग, जो लैब में और लैब में तैयार होता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। जो नेचुरल फूड का जो गोल है इट इज ऑन वेलनेस, और हमारा कन्वेंशनल मेडिसिन का जो गोल है इट इज ऑन करेक्शन। ओके, नेचुरल फूड कॉन्सेंट्रेट फुल ऑन वेलनेस, वेदरस द कन्वेंशनल मेडिसिन कॉन्सेंट्रेट ऑन करेक्शन। ये दो अप्रोच हमको क्लियर होना चाहिए सो दैट हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे आता है और कहाँ कैसा काम करता है। दिस वन यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा। सो नाउ वी गो फर्दर। फोर पिलर्स ऑफ हेल्थ। अगर मैं सेहत का बात करता हूं, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं सिर्फ आरजीजीएल खा लूं या ज्ञानोधर्मा ये खा लूं तो मैं क्या तंदुरुस्त रहूंगा। हाँ तंदुरुस्त रहेंगे बट उसका साथ साथ कुछ और चीज भी आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ सप्लीमेंटेशन में एक बंदा ठीक नहीं हो सकता। बिकॉज ये जो हेल्थ है ना, ये जो सेहत है ना, इसका चार पिलर है, सप्लीमेंटेशन एक पिलर है और तीन पिलर भी आपको चाहिए। अगर ये तीन पिलर नहीं रहेगा तो ये हेल्थ का जो बिल्डिंग है नहीं खड़ेगा। तो इसीलिए सप्लीमेंटेशन ये जो पिलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। इसका साथ ही साथ
यू शुड हैव ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. ओके, दिस वन वी कॉल्ड पीएमए. पीएमए का मतलब पॉजिटिव. पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, लॉट ऑफ चांसेस आप तनाव में चला जाएंगे. ओके, ये कोविड सिचुएशन नहीं से है, लोग मरते हैं, पता नहीं मैं कब मर जाऊंगा. अगर ये सोच आ गया आपको, ये कोविड वायरस नहीं मारेगा, आपका सोच मार देगा. तो इसीलिए ये जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोविड अभी आ जाएगा, इसमें अच्छा अच्छा क्या है वो सोचो. या हम मिलकर करेंगे, हम खुद को अलग रखेंगे, हम सैनिटेशन करेंगे, हम मदद करेंगे पूरा इंडिया को, पूरा गवर्नमेंट को इसे बचाने के लिए, और हम इसे ये पोजिशन, ये सिचुएशन को ओवरकम हम कर सकते हैं. ये जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है ये होना चाहिए. इससे क्या क्या फायदा है, ये जो पॉजिटिव, ये जो कोविड का सिचुएशन से क्या क्या फायदा हुआ था. फायदा भी है ना, जो लोग घर में नहीं रहते थे उनको घर में मिलने का, घर में रहने का कुछ टाइम मिल गया. जो लोग काम में उनको लीव नहीं मिलता था उनको काम से लीव मिल गया. जो लोग उनके बच्चे से के साथ टाइम नहीं गुजर पाते थे उनको टाइम मिल गया बच्चे से टाइम गुजर पाने. जो माँ बाप का साथ बात करने भी कुछ लोगों को समय नहीं रहता है, अभी कोई रास्ता ही नहीं है, उनका साथ ही बैठना है, उनका साथ ही खाना है. कितना अच्छा भी हुआ, हाँ खराब तो हो रहा है बट इसमें अच्छा भी हो रहा है. तो ये जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, अच्छा सोचना, हर एक सिचुएशन में अच्छा सोचना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दैट इज दिस. ये जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ना, ये जो हमारा डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, वी कॉल्ड अ प्लेसिबो इफेक्ट. कभी कभी लोग को क्या होता है ना, बीमारी नहीं रहता है, वो सोचता है मुझे बीमारी है, वो डॉक्टर के पास चले जाता है, डॉक्टर उसको कुछ गोलियां देता है, वो ठीक, वो फील करता है ठीक हो गया. ओके, बिकॉज डॉक्टर का काउंसलिंग से वो ठीक हो गया. यू नो, सो दिस इज व्हाट ऑन द पीएमए. फर्स्ट थिंग, हैव अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. सेकेंड थिंग, गुड लाइफस्टाइल. एक अच्छा लाइफस्टाइल आपके पास होना जरूरी है. आप कब सोते हो, कितना टाइम आप सोते हो, सोने का टाइम क्या करते हो, आप कैसे खाते हो, और कैसे आपका एक्सरसाइज कितना है आपका पास. ये जो लाइफस्टाइल है आपका, ये पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है. मैं 2 बजे टीवी देखकर, मोबाइल देखकर 12 बजे सोऊंगा और नेक्स्ट दिन 12 बजे उठूंगा, ये लाइफस्टाइल नहीं चलेगा. आपको बॉडी को रेस्ट कितना घंटा चाहिए, कितना टाइम चाहिए, वो रेस्ट आपको देना जरूरी है. आपको अगर एक्सरसाइज नहीं है, मैं जिम जाने के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो एटलीस्ट वॉकिंग करना, जो घर में हम जो वेट कर सकते हैं उसमें कोशिश करना, तो कुछ एक्टिविटी खुद का अंदर रखना, कुछ डिसिप्लिन रखना, खाना खाने के पहले हाथ धोने का, ब्रश करना रात को सोने से पहले ब्रश करना, ये छोटे 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 चीज, ये जो डिसिप्लिन हम बोलते हैं, जिस वी कॉल्ड हेल्थी लाइफस्टाइल, ये हेल्थी लाइफस्टाइल हमारा साथ रहना, जितना हो सके उतना लेकर आना. और हेल्दी डाइट हम जो खाते हैं वो डाइट भी हमारा हेल्दी होना चाहिए. पूरा जंक फूड हम लगातार जंक फूड खाते ही रहेंगे तो क्या होता है, हमारा बॉडी का अंदर कचरा हम डालते ही रहेंगे. तो आप सप्लीमेंटेशन खाते हो तो क्या होगा, सो आपका बॉडी सप्लीमेंटेशन में, सप्लीमेंटेशन के जरिए से थोड़ा दिन चलेगा. ज्यादा दिन चलना है तो आपका खाना भी अच्छा होना चाहिए. ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आप कॉस्टली खाना खाओ, बट जो भी खाना खा रहे हो बट अच्छे साफ सुथरा क्लीन घर में बना हुआ खाना ज्यादा खाने की कोशिश करो. बाहर की खाना जितना कम हो सके उतना खाना अच्छा है. ओके, घर की खाना जितना ज्यादा खा सकते हो उतना कोशिश करो, बिकॉज ये कोशिश करना है. हम, मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है. जब हम बाहर खाते हैं, बाहर खाते हैं और कभी कभी होटल में जाते हैं, हम ज्यादा भी खा लेते हैं, बट ये कोशिश जरूर करना जितना ज्यादा हो सके घर की खाना, अच्छी खाना, घर में पका हुआ खाना खाने के लिए. ये आपका डाइट मेंटेन करेगा. इसका साथ साथ आता है सप्लीमेंटेशन. ये सप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है, आई विल टेल यू. ये सप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है, यही मेरा प्रेजेंटेशन. सो ये 3 चीज हम याद रखेंगे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी डाइट. ओके, बिकॉज आपका परिवार का हेल्थ आपका हाथ में है, एज ए पेरेंट आपका हाथ में है. अगर आपका लाइफ में आप चेंज नहीं ले आएंगे, आपके बच्चे वैसे ही डुप्लीकेट करेगा. तो उनके हेल्थ के लिए आपको एक मॉडल बनकर उनको बताना बहुत बहुत जरूरी है. ओके, सो नाउ लेट अस गो. इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट अवर इज अवर ह्यूमन बॉडी. अगर कोई पूछेगा सर आपके पास असेट है
सर मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। बट आज से आप ये स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे, बिकॉज आपका पास एक बहुत बड़ा एसेट है, वो है आपका ह्यूमन बॉडी। आपका ह्यूमन बॉडी एक बहुत एसेट, बड़ा एसेट है। आपका घर कितना करोड़ का है वो मुझे पता नहीं। ओके, आपका पास कितना घर है, कितना गाड़ी है, आप कितना खर्च करते हो आपका घर को सजाने के लिए, गाड़ी को सजाने के लिए, फ्लैट को सजाने के लिए। पर इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहां जीते हो? आप फ्लैट में जीते नहीं हो, आप जीते हो आपका बॉडी का अंदर। आपका रहने का जगह है आपका बॉडी, आपका बॉडी ही आपका घर है, पहला घर है आपका बॉडी। ये बॉडी को सजाओ, ये बॉडी का अंदर इन्वेस्ट करो, तो ये बॉडी ब्यूटीफुल दिखे। सेकेंड है आपका घर, आपका जो बिल्डिंग का जो घर है, जो पत्थर से बना हुआ घर है, वो सेकेंडरी घर है। पहला घर है आपका बॉडी, ये है आपका, इट इज योर एसेट। हर एक व्यक्ति का साथ घर है, वो है खुद का बॉडी। और ये बहुत कॉस्टली है, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव मशीन इन द वर्ल्ड। जो काम ये बॉडी करता है दुनिया में कोई मशीन नहीं कर सकता है। ये की पहले सब काम ये कर, ये मशीन कर सकता है। इट्स ए टॉकिंग मशीन, बात करने का मशीन, चलने का मशीन, सोने का मशीन, आर्ग्यू करने का मशीन, काम करने का मशीन, सब काम ये मशीन कर सकता है। और ये मशीन बहुत बहुत कॉस्टलीस्ट मशीन है। एक बंदा क्या हुआ था, एक बुजुर्ग को क्या हुआ, दो दिन पेशाब नहीं आया, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला आपको डायलिसिस करना है। डायलिसिस करने के बाद, तीन दिन डायलिसिस करने के बाद डॉक्टर ने उसे बिल दिया 15,000। 15,000 मिलने के बाद वो बुजुर्ग आदमी ने रोने लगा। रोने के बाद डॉक्टर पूछा, क्यों रो रहे, तुम्हारा पास पैसा नहीं है? नहीं सर, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरा अभी मैं 70 साल से हूं, 70 साल का हूं, मैं इतना दिन हर रोज 5 बार 6 बार पेशाब जा रहा हूं, बट एक बार भी खुदा ने मुझे बिल नहीं दिया। बट दो दिन में पेशाब नहीं किया, एक 3 बार पेशाब निकालने के लिए मुझे 15,000 का बिल आया। समझो, आपका अंदर जो डायलिसिस मशीन ने खुदा ने दे दिया, आपका अंदर जो हार्ट मशीन ने खुदा ने दे दिया, आपका अंदर जो फिल्टर करने का जो किडनी का मशीन तो खुदा ने दे दिया। उसका पास टाइम भी नहीं रहता है। अब खुदा ना करे एक बार ये बीमार पड़ जाएगा ना, जब डॉक्टर बोलेगा वो कम हट सर्जरी के लिए 3 लाख और 2 महीना बेड में रहना है, तो पैसा भी आएगा, टाइम भी आएगा। कैसा आएगा पता नहीं, बट तब आएगा, पूरा परिवार मिलकर लेकर आके देंगे तब। तो जब सेहतमंद है तब हम बोलते हैं थोड़ा पैसा खर्च कर लो खुद के लिए, थोड़ा टाइम दे लो खुद के लिए, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, एनर्जी रखने के लिए। हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है और मनी भी नहीं रहता है। जब बीमार पड़ जाते हैं, टाइम भी आता है और समय भी आता है और पैसा भी आता है। दिस इज हाउ इंटेलिजेंट वी आर, बिकॉज वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। मैंने कल बोला था ना, वी डोंट टेक केयर ऑफ अवर बॉडी, बिकॉज अवर बॉडी इज कम्फर्ट फ्री, ये मुफ्त में मिल गया, इसीलिए हम इसके ऊपर कोई कदर नहीं है। तो मेरे दोस्त, वी आर इंटेलिजेंट, सो वी सिंस वी आर इंटेलिजेंट, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट। आपका पास जो एसेट है, वो मिशन अगर ठीक नहीं रहेगा तो काम कैसा करोगे? अगर बोलने की ताकत इसमें अच्छा नहीं रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस कैसे करोगे? मीटिंग कैसे लोगे?
तो बीवी कैसे आएगा? ये सब आने के लिए एक ही चीज है, पहला आपका अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका हेल्थ, आपका बॉडी, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसेट व्हाट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट. सो लेट्स अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अवर बॉडी, हमारा बॉडी का क्या नीड है उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे. इसके लिए फर्स्ट लेट अस सी हाउ अवर बॉडी वर्क्स एंड रोल ऑफ बीएचएल प्रोडक्ट इन अवर बॉडी वेलनेस मैकेनिज्म. ये शरीर जो है ये कैसा काम करता है, पहले बताओ ये शरीर जो है कैसा काम करता है, और हमारा जो ये बीएचएल का जो प्रोडक्ट है और ये शरीर, ये जो हमारा वेलनेस, हमारा बॉडी का वेलनेस है, ये मैकेनिज्म में कैसा फिट होता है ब्यूटिफुली. ये जो हमारा वेलनेस का अंदर, ये जो हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट ऐसा काम करता है, बहुत कमाल की चीज है. हमारा जो डीएक्शन का प्रोडक्ट हमारा बॉडी का साथ क्या करता है हम देखेंगे अभी. सो नाउ टू नो अवर बॉडी, लेट मी आस्क यू अ फ्यू सिंपल क्वेश्चन. यू टेल मी द बेस्ट डॉक्टर. If I ask anybody to tell me the best doctor, तुम बोलते हो सर डॉक्टर ये है, डॉक्टर वो है, डॉक्टर वो है. मैं बोलूंगा द बेस्ट डॉक्टर है रफीक. मैं खुद एक बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बेहतरीन डॉक्टर हूँ. आप मानो या ना मानो, बट ये ही हकीकत है, मैं एक बेहतरीन बहुत पावरफुल एक डॉक्टर हूँ, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है. दुनिया मानेगा या नहीं मानेगा, आई डोंट केयर, बट मुझे ये पता है मैं एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर हूं और बहुत पावरफुल डॉक्टर हूं. बट आपके लिए नहीं है, मेरे लिए. बिकॉज माई बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर. उसके लिए मेरे लिए मेरा बॉडी ही बेस्ट डॉक्टर है. ये जो बॉडी है ना, इट कैन प्रोड्यूस वंडरफुल मेडिसिन इनसाइड योर बॉडी. बहुत अच्छा तरह स्कैनिंग करना, लैब का काम, फार्मेसी का काम, ये डॉक्टर का काम, सब काम करता है मेरा बॉडी मेरे लिए. इसीलिए मेरा बॉडी ही मेरे लिए एक बेहतरीन डॉक्टर है. हाउ आई विल प्रूव, मैं ऐसे कैसे प्रूव करूंगा कि मेरा बॉडी ही बेहतरीन डॉक्टर है. फॉर एग्जाम्पल यू नो वैक्सीनेशन के बारे में आप सबको पता होगा, जो टीका डालते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ वैक्सीनेशन. ये जो वैक्सीनेशन हम किसे डालते हैं, छोटे छोटे बच्चे को डालते हैं, ये एक महीना हो गया उसे डालते हैं, पंद्रह दो महीना हो गया उसे डालते हैं, तीन महीने की बात डालते हैं, छह महीने की बात डालते हैं. क्या क्या वैक्सीनेशन, डिफरेंट वैक्सीनेशन, मलेरिया के लिए टेटनस वैक्सीनेशन, बीसीजी, लॉट ऑफ वैक्सीनेशन है. How I will prove, मैं ऐसे कैसे प्रूव करूंगा जो मेरा बॉडी ही बेहतरीन डॉक्टर है. फॉर एग्जाम्पल यू नो वैक्सीनेशन के बारे में आप सबको पता होगा, जो टीका डालते हैं, दिस इज वॉट वी कॉल्ड एस ए वैक्सीनेशन. ये जो वैक्सीनेशन हम किसे डालते हैं, छोटे छोटे बच्चे को डालते हैं, ये एक महीना हो गया उसे डालते हैं, तो पंद्रह दो महीना हो गया उसे डालते हैं, तीन महीने की बात डालते हैं, छह महीने की बात डालते हैं. क्या क्या वैक्सीनेशन, डिफरेंट वैक्सीनेशन, मलेरिया के लिए टेट्रानस वैक्सीनेशन, बीसीजी, लॉट ऑफ वैक्सीनेशन है, हम ये छोटे बच्चे का अंदर डालते. अच्छा ये वैक्सीनेशन डॉक्टर ये छोटे बच्चे का अंदर डालता है, जो छोटा शिशु है उसका अंदर डालता है, वो वैक्सीनेशन का अंदर क्या है? मैं पहले सोचा इन्हें ये कुछ दवा होता है, अगर इसे डाल देंगे तो मलेरिया आने से ये दवा रुकेगा. फिर मैंने थोड़ी जानकारी लेने के बाद मुझे ये पता चला, ये जो वैक्सीनेशन हम डालते हैं इसका अंदर कोई दवा नहीं रहता है, ये वैक्सीनेशन वही वायरस है जो मलेरिया पैदा करता है, बट एक वीकर फॉर्म में, बहुत एक वीकर फॉर्म में ये वैक्सीनेशन में है, जो डॉक्टर ये छोटे छोटे बच्चे का अंदर डालते हैं. ये डॉक्टर को इतना बड़ा स्ट्रेंथ कहां से आया, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कैसा आया, ये छोटे बच्चे का अंदर ये वैक्सीनेशन, ये जो वायरस डालने की, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? उसकी पढ़े से आया, वो बड़ा डॉक्टर है उसलिए आया? नहीं, इसलिए आया है, अगर वो ये जो छोटा वायरस जो वीकर फॉर्म में वो बच्चे का अंदर जाएगा, तो बच्चे का अंदर एक सिस्टम रहता है, हम बोलते हैं इसे इम्यूनिटी सिस्टम.
ये जो इम्यूनिटी सिस्टम अब काम करना शुरू करेगा, ये जो इम्यूनिटी सिस्टम अब पहचानेगा जो मेरा शरीर का अंदर कुछ चीज आया हुआ है जो मेरे नुकसान कर सकता है, सो इमीडिएटली ये इम्यून सिस्टम क्या करेगा, ये जो वायरस को मारने के लिए एक फॉर्मूला लिखेगा, ये जो फॉर्मूला है फॉर्मूला मुझे कैल्शियम इतना परसेंटेज और विटामिन ई इतना परसेंटेज, जिंक इतना परसेंटेज, डिफरेंट डिफरेंट वायरस के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला, दवा का फॉर्मूला लिखेगा, ये दवा का फॉर्मूला फिर क्या करेगा, हमारा जो ब्लड है उसमें से ये दवा निकालेगा, जो हमारा लीवर ये सब मिलकर ये दवा पैदा करेंगे, ये दवा पैदा कर वो वायरस को हमारा बॉडी खुद मार देगा। तो इसमें से क्या पता चलता है, दवा किसने दिया, बॉडी ने ही दिया, वायरस डॉक्टर दिया। ये उल्टा हुआ यहाँ पे वैक्सीनेशन में समझो, ये जो वायरस बैक्टीरिया वीकर फॉर्म में डॉक्टर ने दिया, दवा दिया खुद का बॉडी ने, दवा पैदा किया खुद का बॉडी ने। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारा जो शरीर है एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर है। आपका अंदर कोई भी लफड़ा है, आपका अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत ये बॉडी रखता है। बट प्रॉब्लम तब होता है व्हेन वी गिव एन एंटी ट्रीटमेंट। ये जो बॉडी हमें ट्रीटमेंट देता है उसे हम उल्टा ट्रीटमेंट देने लगते हैं, तब सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल मेरा लंग्स में कुछ डस्ट चला गया, मैं जो सांस लिया था कुछ डस्ट चला गया, कुछ पोल्यूशन चला गया, तो क्या करेगा ये बॉडी, ये लंग से ये डस्ट को बाहर फेंकने के लिए खांसी शुरू करेगा। सो लॉट ऑफ खांसी आएगा, सो दैट क्या होता है, ये डस्ट बाहर आने के लिए कोशिश करता है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा खांसी आता है एक सिरप पी लो, वो पीने के बाद क्या होगा, ये खांसी फिलहाल बंद हो जाएगा, बट डस्ट आपका अंदर ही रहता है। अभी बॉडी क्या करता है, इसे फेंकना है, तो कैसा फेंकेगा, नाउ इट मेक अस ए फ्लम। फ्लम माने आपका नाक से जो आता है, नाक प्लेट बोलते हैं ना जो फ्लम, हाँ वो जो आपका नाक से आएगा, वो नाक से आने में हम क्या करेंगे, ए बच्चा को नाक से ही जाता है, कुछ दवा दे दो, कुछ दवा देकर वो भी हम बंद कर देंगे। अभी जो आपका जो टॉक्सिन है बाहर निकालने के लिए आपका बॉडी ने कोशिश किया, अभी आपका बॉडी का अंदर ही है, अब बॉडी से बाहर निकल नहीं पा रहा है, ऐसे ही वायरस या बैक्टीरिया अंदर जाता है, इसे ऐसे हम रोक देते। फिर बॉडी क्या करेगा, इसे मारने के लिए आपका शरीर को गर्म करेगा, गर्म करता है तो ये वायरस ये बैक्टीरिया खत्म हो जाने के लिए। तो जब ये शरीर आपका बॉडी को गर्म करता है, आपको महसूस होता है बुखार आ गया, बुखार आने में क्या करते हैं, दो पैरासिटामोल ना लो या नाफा या डोलो पर कुछ ले लो, फिर वो ले लिया, जो बॉडी गर्म हुआ वो ठंडा हो गया, तो ठंडा होने के बाद क्या हुआ, ये जो बॉडी है मुंह से आने की रास्ता बंद, नाक से आने की रास्ता बंद, देन डायरिया शुरू करेगा बाहर फेंकने के लिए, फिर डायरिया आ रहा है और कुछ दवा खा लो, वहां भी बंद कर लो, सही है ना, साहब क्या करेगा, देन ये बॉडी का अंदर ही स्टोर हो जाएगा, ये बॉडी का अंदर ज्यादा ज्यादा स्टोर होगा, जो बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, जो इम्यून सिस्टम आपके लिए मदद कर रहा है इसे बाहर फेंकने के लिए, तो हम इसे स्टॉप करते हैं, तो अंदर रहकर 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 हमारा इम्यून सिस्टम भी एक तरफ वीक हो जाता है। ये जो महिला, ये जो टॉक्सिन है हमारा अंदर रहकर इट स्लोली स्लोली बिकम ट्यूमर, ट्यूमर का पथ कैंसर की तरफ चले जाता है। This is how we are intelligent. इतना intelligent है इंसान, जो जो बॉडी जो ट्रीटमेंट देता है उसे उल्टा ट्रीटमेंट हम खुद देते हैं। तो माई डियर फ्रेंड्स, ये बॉडी को जानने के लिए पहला ये जानो हाउ योर बॉडी एंड हाउ इट वर्क्स। ये जो मेरा ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ये जो हम देखेंगे, ये जो ग्रेड फाइव और एट जो हम पांचवां क्लास में या छठवां क्लास में पढ़ते थे, वही साइंस है। ओके, इससे ज्यादा साइंस आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर इफ यू वांट टू नो रिएक्शन प्रोडक्ट, आप जानना चाहते हो, पोजीशन करना चाहते हो, बेसिक साइंस को जानो। बेसिक साइंस क्या है, हाउ आवर बॉडी इज मेड, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, सबको पता है आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ सेल्स। हम बोलते हैं 70 ट्रिलियन ऑफ सेल है हमारा बॉडी में। ओके, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल। आपका लीवर, आपका किडनी, आपका स्किन, आपका नेल, आपका बाल, आपका आंख, आपका चोक, आपका हृदय, आपका सब कुछ किसमें बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। कैसा ये शुरू हुआ,
जब माँ गर्भ में रहते हैं, दो सेल मिला, दो सेल चार हुआ, चार आठ हुआ, फिर वो टिश्यू हुआ, टिश्यू सब मिलकर 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 कुछ ऑर्गन हुआ, ये ऑर्गन सब मिलकर ये पूरा सिस्टम ब्यूटीफुल सिस्टम आ गया है. ओके, सो दिस इज हाउ द बॉडी हैज फॉर्म्ड. ये जो हम जो इस सेल के बारे में बात करते हैं, ये जो सेल है हमारा पूरा बॉडी में है, ये पूरा सेल एक ही जैसा नहीं रहता है. करोड़ों करोड़ों सेल है हमारा बॉडी में. ओके, ये पूरा सेल एक ही जैसा नहीं रहता है. ये सेल डिफरेंट डिफरेंट कलर में रहता है और डिफरेंट डिफरेंट काम करता है. कुछ हमारा मेरा ब्लड सेल जो है ये रेड कलर में रहता है, डिफरेंट काम करता है. मेरा मजल सेल है ये ऐसा रहता है. मेरा नर्व सेल है ऐसा अमीबा जैसा रहता है. स्किन सेल है ऐसा रेक्टेंगुलर रहता है. डिफरेंट सेल डिफरेंट कलर में रहता है और इन लोगों का डिफरेंट काम होता है. ये बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड. सो ये समझो, मेरा पूरा बॉडी सेल में बना हुआ है और हर एक सेल डिफरेंट, हर एक सेल में डिफरेंट डिफरेंट सेल रहता है. लाइक ब्लड सेल में कुछ करोड़ सेल होता है, मसल सेल में कुछ करोड़, और जो काम डिफरेंट डिफरेंट काम करता है. ओके, नाउ यू आंसर मी, अगर ये सेल डिफरेंट डिफरेंट काम में है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में है, ये सब का एक ही क्या है, वन थिंग इज कॉमन, सबसे एक चीज कॉमन है. पूरा करोड़ों करोड़ों सेल में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? वो है स्ट्रक्चर. हर एक सेल का स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट काम करेगा, डिफरेंट जगह में रहेगा, डिफरेंट कलर में रहेगा, बट उसका स्ट्रक्चर सेम है. मैं चेन्नई में हूं, आप अमेरिका में हो या फ्रांस में हो, आपका कलर दूसरा है, मेरा कलर दूसरा है, आप दूसरा काम करते हो, मैं दूसरा काम करता हूँ, आप दूसरे जगह में रहते हो, मैं दूसरे जगह में रहता हूँ, बट क्या कॉमन है? हमारा स्ट्रक्चर. मेरा भी दो हाथ दो पैर, आपका भी दो हाथ दो पैर, मेरा भी दो अंक, आपका भी दो अंक, मेरा भी एक सर, आपका भी वो एक सर. तो हमारा स्ट्रक्चर सेम है. तो इसीलिए सेल डिफरेंट कलर में है, डिफरेंट काम करता है, बट स्ट्रक्चर सेम है. सब सेल का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है. तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है, अगर मैं एक सेल को ठीक करना जानता हूं तो मैं पूरा सेल को ठीक कर सकता हूं. सही है गलत? और एक बार बोल रहा हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है. अगर मैं एक सेल को ठीक करना जानता हूं तो करोड़ों सेल को सेम फॉर्मूला रखकर ठीक कर सकता हूं. अगर मैं इंडिया में एक इंसान को ठीक कर सकता हूं तो दुनिया में जितने भी इंसान है मैं उनको ठीक कर सकता हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है. समझ में आ रहा है? ओके. तो अब हम क्या करेंगे? सब के बारे में नहीं देखेंगे, सब सेल के बारे में नहीं देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है. हम एक सेल को पकड़ेंगे और देखेंगे ये सेल कैसा जिंदा रहता है, ये सेल कैसा बीमार होता है, और ये सेल सुस्त रहने में, स्वस्थ रहने में, हेल्थ रहने में, हेल्थी रहने में इसे क्या चाहिए. दिस इज व्हाट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. एक सेल जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एक सेल जिंदा रहने के लिए दो चीज का आवश्यकता है. अगर ये दो चीज उसे नहीं मिल रहा है तो वो सेल मर जाएगा. नंबर वन है ग्लूकोस और नंबर टू है ऑक्सीजन. अगर ये दो चीज, पहले ये दो चीज चाहिए. पहले क्या चाहिए? ऑक्सीजन. अब सांस से जाता है जो ऑक्सीजन और आपका बॉडी तैयार करता है ग्लूकोस आपके खाने से. ग्लूकोस का इजी मीनिंग है शक्कर. शक्कर भी हम बोलते हैं ना, ग्लूकोस यही है. हर खाने में ग्लूकोस होता है, जो भी आप खाते हैं उसमें कुछ शक्कर होता है. आप शक्कर डालने की जरूरत नहीं है. आपके चावल में शक्कर है, आलू में शक्कर है, सब्जी में शक्कर है, सब में ग्लूकोस रहता है. तो ये बॉडी, ये शक्कर और आपका ऑक्सीजन, ये दो लेकर क्या करता है? योर बॉडी कलेक्ट दिस टू. ऑक्सीजन लेता है और शक्कर लेता है, ये कलेक्ट करता है. कलेक्ट कर आपका सेल का अंदर एक चूल्हा रहता है, ये स्टोव, एक गैस स्टोव जैसा एक रहता है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया. ये दो चीज वो स्टोव का अंदर जलाता है. जलाने में एक एनर्जी पैदा होता है
दैट वन वी कॉल्ड लाइफ एनर्जी, ये एनर्जी से सेल जिंदा रहता है. समझ में आ रहा है? सेल जिंदा रहने में दो चीज, वन इज ग्लूकोज, अनदर इज ऑक्सीजन. ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन उसे मिल जाएगा. कहां से मिलेगा ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन? कैसे मिलेगा सेल को? कौन जाकर देगा? बिकॉज आपका पांव में भी सेल है, आपका सर में भी सेल है, आपका पीछे भी सेल है, आपका सामने भी सेल है, पूरा सेल ही सेल है. तो ये सेल, हर एक सेल को ये ऑक्सीजन ग्लूकोज कौन जाकर देगा? ये देने का काम करता है आपका ब्लड वेसल, आपका रक्त नाली. आपका जो ब्लड है ना, यही वो काम करता है. जो सेल, सेल को समझो एक घर, और आपका ब्लड वेसल को समझो सामने जाने वाला रोड. अगर एक सेल का सामने, ये सामने वह जाने वाला रोड नहीं है, तो वो सेल मर जाएगा. दैट मीन्स हर एक सेल रक्त नाली से कनेक्टेड होना जरूरी है. तो ये सेल क्या करेगा? उसका दरवाजा खोलेगा, ऑक्सीजन लेगा. कहां से लेगा? वो जो आपका रोड है ना, उसमें ऑक्सीजन का गाड़ी जाएगा. ऑक्सीजन गाड़ी से थोड़ा ऑक्सीजन ले लेगा, और ग्लूकोज गाड़ी भी जाएगा, ग्लूकोज भी थोड़ा गाड़ी से थोड़ा ग्लूकोज ले लेगा, और आपका जो चूल्हा है उसमें रखकर एक एनर्जी पैदा करता है. वी कॉल दैट एज अ लाइफ एनर्जी. अभी सेल जिंदा हो गया. जिंदा होने की बाद अभी सेल सोचेगा मैं कहां हूं. अच्छा, मैं बोन में हूं, मैं व्हाइट कलर में हूं. मेरा काम क्या है? मजबूत रहना और स्ट्रांग रहना. और सेल को पता है, एक सेल का ओन इंटेलिजेंस होता है. ओके, वो सेल को खुद को पता है मुझे मजबूत होने के लिए क्या चाहिए. कैल्शियम चाहिए, मुझे जिंक चाहिए, मुझे आयोडीन चाहिए, मुझे फलाना चाहिए. तो क्या करेगा? अगेन ये सेल दरवाजा खोलेगा. दरवाजा खोलने के बाद क्या दिखेगा उसे? ब्लड. ओके, ये दिखेगा ब्लड वेसल, जो रक्त नाली है वो दिखेगा. उसमें क्या जाएगा? उसमें कैल्शियम जाएगा, आयोडीन जाएगा, जिंक जाएगा, विटामिन जाएगा, ग्लूकोज जाएगा, कचरा भी जाएगा. सही है ना? आप जो कचरा फेंकना चाहते हो, जो ये सेल का जो कचरा है कहां फेंकता है? फिर वो रोड में ही फेंकता है, वो जो ब्लड में ही फेंकता है, जो सीधा लेकर जाकर आपका किडनी लीवर उसे ठीक करता है. वो कचरा को छोड़ो, ये जो ये ब्लड है दरवाजा खोलता है, ये जो गाड़ी जाता है वेट करता है, कैल्शियम आ गया, वो जिंक आ गया, ये फलाना आ गया. तो ये हड जो है आपका मजबूत रहने का काम करता है. आपका जो आंखी है, जो आपका आंख है, वो क्या करता है? मुझे विटामिन ये चाहिए, वो चाहिए. तो ये सब कलेक्ट करके और वो देखने का काम करता है. आपका जो हार्ट है बीट करने का, उसे कुछ अलग से एक कुछ प्रोटीन चाहिए, अलग से कुछ केमिकल चाहिए, वो सब ब्लड में आना चाहिए. वो ब्लड से उठाता है, देन ब्लड उसका काम करता है. सेम लीवर इसका काम करता है, किडनी उसका काम करता है, ब्रेन उसका काम करता है, सब कुछ ऐसे ही काम करता है. तो समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है, अगर एक सेल बीमार होता है तो कैसा होता है? अब मेरी बात सुनो. अगर एक सेल अगर बीमार होता है वो कैसा होता है? अगर तब होगा जब ये सेल दरवाजा खोलता है, सामने जो ब्लड का जो रोड है, रास्ता है, उसमें उसका जो चीज है, जो उसका चाहिए, वो चीज का गाड़ी नहीं जाएगा, तो वो शरीर, वो अंग जो है, वो सेल जो है बीमार होगा. ज्यादातर सेल ऐसे ही बीमार होगा, तो वो अंग बीमार हो जाएगा. तो वो अंग बीमार हो जाएगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे. कहानी ऐसा ही चलेगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे. तो डॉक्टर देखेगा, अच्छा तेरा 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 हार्ट काम नहीं कर रहा है, लिवर काम नहीं कर रहा है, अच्छा क्या नहीं है, ये नहीं है. तो वो क्या करेगा? लैब में वो चीज को बनाएगा, वो सिरिंज में डालेगा या दवा में डालेगा, फिर आपका अंदर, आप वो खाते हो या आप इंजेक्शन लेते हो. इंजेक्शन लेने के बाद जो चीज आपका जो हार्ट वो लीवर ब्लड में नहीं मिल रहा था, अभी आर्टिफिशियली डॉक्टर ने वो चीज बनाकर दवा की वजह से, जरिए से आपका बॉडी का अंदर दे दिया. अभी आपका सेल खोल रहा है, हाँ वो मिल रहा है, आर्टिफिशियल बट मिल रहा है उसे. वो रखकर वो काम करना शुरू करेगा, बट कितना आर्टिफिशियल करता ही रहेगा, वो सेल एक दिन बहुत कमजोर हो जाएगा, उसका काम करने का शक्ति बहुत कम हो जाएगा. तो बहुत जल्दी वो काम करना बंद कर देता है, वो सिर्फ आर्टिफिशियल ही चलेगा. तो इसीलिए उसे क्या चाहिए? ओरिजिनल जो इंग्रेडिएंट है, ओरिजिनल जो न्यूट्रिशन है,
वो न्यूट्रिशन वो बॉडी को देना बहुत बहुत जरूरी है. ओके सो वो बॉडी को वो न्यूट्रिशन देना, ओरिजिनल न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है. इसीलिए मैं बोलता हूं दुनिया में कोई भी बीमारी है वो एक ही बीमारी है, उसका नाम है सेलुलर न्यूट्रिशन का कमी. सेल को अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो आपको बीमार होता है, आदमी बीमार होता है. एक्सीडेंट ये सब छोड़ दो, एक्सीडेंट एंड ऑल नॉट बिकॉज ऑफ दिस वन. जो आपका लाइफस्टाइल जो डिजीज है, लाइफस्टाइल जो डिजीज है, हार्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, ऑल ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सब प्रॉब्लम का जड़ कहां है, वो है सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है. डॉक्टर के पास जाएंगे तो आर्टिफिशियली वो उसे वो न्यूट्रिशन दे रहा है. बट आप ड्रग से ज्यादा दिन जिंदा, आपका सेल ज्यादा दिन जिंदा और काम नहीं कर सकता है. ओके सो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड. अगर आप आपको दो चीज अभी समझ में आया है, अगर एक सेल जिंदा रहना है वेरी सिंपल क्या होना चाहिए, वो सेल का सामने ब्लड होना बहुत जरूरी है और वो ब्लड में न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है. न्यूट्रिशन का मतलब जो चीज वो सेल को चाहिए काम करने के लिए चाहिए, वो खाना, जो सेल का जो खाना आपका ब्लड में होना जरूरी है. अगर सेल का खाना आपका ब्लड में नहीं रहेगा और ब्लड नहीं रहेगा, आपका सेल बीमार होगा. अभी रिवर्स क्या करना है, अभी रिवर्स क्या करना है, अगर आपका सेल को ठीक रखना है दो चीज आपको करना चाहिए. ब्लड अच्छा फ्लो होने का, आपका बॉडी में अच्छा ब्लड कैसा पैदा हुआ होगा उसका ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का, और आपका ब्लड में अच्छा न्यूट्रिशन कैसा जाएगा उसका ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का. न्यूट्रिशन कैसा आएगा आपको, न्यूट्रिशन खाने से आएगा, सही है ना, आप जो खाते हो उसमें से न्यूट्रिशन आएगा. न्यूट्रिशन तो आ जाता है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वहां है आप जो खाते हो. न्यूट्रिशन क्या कहां आएगा, जो आप शाक सब्जी खाते हो वो सब्जी का अंदर जमीन से न्यूट्रिशन आना चाहिए. जमीन में अभी न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाल के जमीन खत्म. अभी जो झाड़ आ रहा है, जो पेड़ आ रहा है, जो सब्जी आ रहा है, उसमें जो न्यूट्रिशन उसमें रहना है उतना न्यूट्रिशन उसमें नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एक प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम, ये जो हमारा जो खाना जो हमारा जमीन से हम लेते हैं, इसे क्या करते हैं, सेकेंड स्टेज है इसे प्रिजर्वेटिव, ये ज्यादा दिन रहने के लिए इसे प्रिजर्व करते हैं. बिकॉज खेती में होता है, बट आपका सिटी मुंबई में है, वहां से यहां आने के लिए टाइम लगेगा, तो इसीलिए क्या करेगा, उसे प्रिजर्व करेगा, कोल्ड स्टोरेज में डालेगा या कुछ केमिकल डालेगा, उसे प्रिजर्व करेगा. जितना दिन प्रिजर्व करेगा उतना न्यूट्रिशन वहां पे गायब. फिर वो क्या करेगा, आपका बाजू जो दुकान सुपरमार्केट में आएगा वो क्या करेगा, फिर उसे फ्रिज में रखेगा, उसे स्टोर करेगा, उसे प्रिजर्व करेगा, और वहां पे कुछ न्यूट्रिशन गया. फिर आप घर में लेके आते हो, घर में ले आने के बाद डायरेक्ट आप पकाते नहीं हो, ये ना धोकर उसे रख देते हो. आपका घर में एक शैतान का डब्बा है फ्रिज, वो फ्रिज का अंदर रख देते हो, वो फ्रिज का अंदर वो रहता है 3 दिन 4 दिन आराम से. हाँ, ये बिकॉज ऑफ फ्रीजर इतना न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता है, बट कुछ भी न्यूट्रिशन, कुछ कुछ न्यूट्रिशन वहां भी गायब हो जाता है. वो होने के बाद क्या आता है, देन पकाने की तरीका. ये जो न्यूट्रिशन बचा हुआ है, पूरा कोशिश हम करते हैं किचन में इसे इतना ज्यादा उबालो, इतना ज्यादा फ्राई करो, जो भी बचा हुआ न्यूट्रिशन है उसे खत्म कर दो. फिर क्या हुआ, हम इतना उबाला और इतना फ्राई किया, कच्चा तो नहीं खाते, इतना फ्राई किया, इतना उबाला, कुछ चीज कच्चा खाना जरूरी है, कुछ चीज कच्चा नहीं खा सकते, लाइक मीट फिश एंड ऑल कच्चा नहीं खा सकते, बट उसे भी इतना ज्यादा बॉइल नहीं करने का, बट हम इतना तेल में इतना बॉइल करते हैं, जितना भी न्यूट्रिशन है वो उसमें से चला गया. वो उसमें चलाने के बाद हमारा जो खाने का जो ये जो सब्जी बचा हुआ वो फ्रिज में रखो, अगेन 2 दिन के बाद वही खाओ. सो न्यूट्रिशन कहाँ है, जो मेरा शरीर को जो न्यूट्रिशन के लिए वो वेट है, वेट कर रहा है, जो आपका बहुत वफादार नौकर है, आपका सेल आपके लिए आपको जिंदा रख रहा है, आपका पूरा बॉडी आपको जिंदा रख रहा है, आपका नौकर, उसे आप क्या दे रहे हो, इनफैक्ट वो आपका मालिक है, उसे आपको क्या दे रहे हो, उसे हम क्या दे रहे हैं,
सो इसीलिए हमको ये सोचना बहुत जरूरी है द न्यूट्रिशन व्हाट न्यूट्रिशन वी टेक. सो दो चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेफ्टी फॉर योर हेल्थ फॉर योर फैमिली हेल्थ. जो आप किसे पसंद करते हो उनको हेल्थ चाहिए तो दो चीज का ख्याल जरूर रखना. उनको अच्छा ब्लड होना चाहिए और अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए. आपका जो पैसा आप जो खर्च करते हो इतना मेहनत कर कमाने की बाद जो खाना आप लेते हो थोड़ा सोचो वो खाने में वो न्यूट्रिशन है या नहीं है. जितने भी प्रोसेस्ड फूड है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है. जितने भी पैक्ड फूड है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है. बट फिर भी हम बिंदास देते हैं बच्चों को ये चिप्स का पैकेट ये कोला वो कोला इतना केमिकल. हम खुद के पैसे से जहर लेकर खुद का फैमिली को खिलाते हैं. हमको पता नहीं. हम सोचते हैं वो प्यार है. वो प्यार नहीं है. हम खुद के लाइफ को और खुद के बच्चे को हमारा खुद के हाथ से धीरे 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 मारते हैं. समझ में नहीं आ रहा बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट पीपल. सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ के लिए आपका फ्यूचर आपका बच्चे को फ्यूचर के लिए आपका खुद का फ्यूचर के लिए. सो इसीलिए दो चीज याद रखना. अगर एक सेल जिंदा रहना है अच्छा काम करना है एक ब्लड होना चाहिए और उसे अच्छा न्यूट्रिशन देना बहुत बहुत जरूरी है. सो देन योर सेल विल बिकम हेल्थी. अगर सेल हेल्थी है ऑर्गन हेल्थी ऑर्गन हेल्थी है पूरा बॉडी हेल्थी. जो भी बीमारी है इसी का अंदर ही है. क्या है सेल सेल को ब्लड नहीं मिलता है अदरवाइज सेल का अंदर न्यूट्रिशन नहीं है. सो द टू मेन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ आपको समझ में आ गया. अगर मैं तंदुरुस्त रहना चाहता हूं और मेरा फैमिली को तंदुरुस्त रखना चाहता हूं तो मुझे दो ही चीज चाहिए अच्छा न्यूट्रिशन खाना खाना और अच्छा सर्कुलेशन करने ब्लड सर्कुलेशन अच्छा सर ब्लड जो ब्लड को सपोर्ट करेगा वैसे कुछ खाना खाना हमारे जिम्मेदारी है. अच्छा न्यूट्रिशन अगर न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे हर एक खाने में कुछ कुछ न्यूट्रिशन होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक करोड़ों का बिजनेस करता है कॉम्प्लान. कॉम्प्लान का एक ही है 13 vital nutrients. 13 vital nutrients माने 13 तरह की सेल की खाना उसका अंदर है. ये बोलकर बच्चे को इतना हम पिलाते हैं करोड़ों का बिजनेस उसमें होता है ओनली विथ 13 vital nutrients. कुछ खाने में 50 न्यूट्रिशन होता है. कुछ अच्छा खाना हो जाएगा कुछ कुछ खाने में 80-100 न्यूट्रिशन भी होता है. बट दुनिया में ऐसा एक खाना है ऐसा एक चीज है वहां से आपको मिनिमम 400 न्यूट्रिशन मिल सकता है वो है ग्यानोडर्मा. ये जो हमारा ग्यानोडर्मा है इतना जबरदस्त इसलिए है इसमें 400 से ज्यादा न्यूट्रिशन हमको एक ही टाइम में मिलता है. अलग अलग खाने खाने की जरूरत नहीं है एक ही टाइम में 400 तरह की न्यूट्रिशन हमको मिलता है. तो ये खाने से क्या होता है जब मैं ज्ञानोडर्मा खाना शुरू किया तो जो मेरा जो सेल था भूखा बेटा था 5 साल से 10 साल से उसे जो आर्टिफिशियल मिल रहा था जो अच्छे खाना नहीं मिल रहा है तो ये आने में वो जो दरवाजा खोलकर देख रहा है एडिनोसिन ट्राइटरपिनोज ये वो 400 न्यूट्रिशन उसे पूरा दावत मिल गया बफे मिल गया. सो खुश हो उसका करने का काम जो है वो धीरे 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 आर्टिफिशियल जो डॉक्टर दे रहा था उससे वो बचकर अभी जो हम दे रहे जो ये ज्ञानोडर्मा दे रहा है ना जो ओरिजिनल न्यूट्रिशन वो ओरिजिनल न्यूट्रिशन को धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा है. शिफ्ट होने के बाद देन इट बिकम हेल्थी. व्हेन इट बिकम हेल्थी देन यू फील हेल्थी. इसके लिए और एक चीज है आपका ब्लड. आपका शरीर का जो ब्लड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जो शरीर का जो ब्लड है रेड ब्लड सेल्स वो 120 दिन जिंदा रहता है. कितना दिन 120 दिन जिंदा रहता है. ओके ये 120 दिन का बाद ये सेल मर जाता है रेड ब्लड सेल मर जाता है. मरने के बाद रिसाइकल होता है. अगर उसे नया ब्लड करना नया ब्लड बॉडी रेडी नहीं किया तो ये क्या करेगा ये जो मरा हुआ सेल है इसे रिसाइकल करेगा. रिसाइकल करने के लिए 3 ऑर्गन काम करेगा. एक है आपका किडनी लिवर स्प्लीन. ये 3 ऑर्गन ओवरटाइम काम करना है. उसका काम तो करेगा ही उसका खुद का कुछ काम है वो करेगा. उसका साथ ही साथ ही ये ब्लड को रिसाइकल करने का काम भी ये ज्यादा करेगा. तो इसीलिए ये 3 ऑर्गन ज्यादा बीमार होने का चांसेस ज्यादा है.
ओके, बट हाउएवर वो करता है, करकर आपको ब्लड को रिसाइकल करता है, फिर आपको ब्लड मिलता है, बट ये रिसाइकल ब्लड है। बट आपको ओरिजिनल ब्लड चाहिए तो व्हाट यू नीड इज योर बॉडी नीड हीमोग्लोबिन और आयरन, ये दो चीज होना चाहिए। आयरन आपका बॉडी में रहता है, हीमोग्लोबिन आपको ज्यादा चाहिए। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, इसकी कारण से अगर आप ज्यादा क्लोरोफिल लेंगे, ज्यादा क्लोरोफिल खाना आप लेंगे, आपका बॉडी प्योर ब्लड और ये ब्लड को क्लीन कर ये ब्लड को अच्छी तरह फ्लो करने के लिए ये जो क्लोरोफिल बहुत बहुत अच्छा ये काम कर सकता है। ओके, जो क्लोरोफिल कहां से मिलेगा, क्लोरोफिल जो भी ग्रीन कलर सब्जी है उससे, ग्रीन कलर जो खाना है उससे आपको मिलेगा। ये क्लोरोफिल का राजा है हमारा स्पाइरुलिना। तो दो मेन चीज माय डियर फ्रेंड्स, कैसा डॉक्टर लिम ने ये दो चीज को हमारा हाथ में दिया, जो दो मेन प्रॉब्लम है हमारा शरीर में उसको मदद करने के लिए। दो ही प्रॉब्लम है, एक न्यूट्रिशन नहीं है, एक ब्लड नहीं है, दोनों को सॉल्व करो। दोनों का बिग प्रोडक्ट हमारा पास है, एक है ज्ञानोडर्मा और एक है स्पाइरुलिना। अभी कॉफी, टूथपेस्ट, ये सब चीजें, ये सब पावरफुल इसलिए है बिकॉज इसमें ज्ञानोडर्मा डाला हुआ है। तो आप कॉफी खाते हो, कॉफी के साथ ज्ञानोडर्मा जाता है। टी खाते हो तो चाय का साथ आपको ज्ञानोडर्मा जाता है, और आप लेमन जी पीते हो उसका साथ आपको ज्ञानोडर्मा जाता है। तो ज्ञानोडर्मा का काम वो खुद करता है, तो ना तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है वो क्या काम करना चाहिए, बिकॉज आपका बॉडी कर लेगा काम। सिर्फ आपको अच्छा खाना देना बहुत जरूरी है आपका बॉडी के लिए। सो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट पोजिशनिंग। आई बिलीव यू, आपको समझ में आ रहा है ये प्रोडक्ट पोजिशनिंग अब कैसा करना है और ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, ज्ञानोडर्मा और स्पाइरुलिना। ओके, सो नाउ ये जो न्यूट्रिशन के बारे में मैंने देखा और सर्कुलेशन के बारे में मैंने देखा, और एक चीज है डाइजेशन। डाइजेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर न्यूट्रिशन आप खा लेते हो, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो खाने से न्यूट्रिशन नहीं निकल पाएगा। तो डाइजेशन भी इक्वल है, तीन चीज, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, याद रख लेना। अच्छी सेहत के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन और डाइजेशन। डाइजेशन कहां होता है, लोग बोलते हैं डाइजेशन पेट में होता है, बट डाइजेशन 30% डाइजेशन होता है आपका मुंह में। आपका जो मुंह है, आप जो चापते हो खाने को, उसमें से आपको 30% डाइजेशन होता है। जो खाना आपका जो सलाइवा है, सलाइवा को हम क्या बोलते हैं, लार का साथ नहीं मिलता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है आसान से। तो इसीलिए आपको खाना को ऐसा चापना है जो पूरा खाने के साथ आपका लार मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं खाने को पियो। खाने को पियो का मतलब क्या है, इतना चापो जो वो पानी पानी हो जाए, तो आपका सलाइवा का साथ मिलकर एक क्रीम जैसा हो जाए, फिर उसे पी लो। तो इसीलिए हर बार हम जो खाते हैं ना, साइंस आज यही बोलता है मिनिमम 20 बार चपाना बहुत जरूरी है, चापना। कितने बार बोलता है, 32 टाइम्स, बट मिनिमम होता है 20 टाइम्स। 20 टाइम्स चापना बहुत बहुत जरूरी है। जो भी आप खाना खाते हो, न्यूट्रिशन तो आधा गया प्रोसेसिंग में, जो भी बाकी बचा हुआ आपका खाने में जो न्यूट्रिशन है ना, अगर वो न्यूट्रिशन आप सही तरह से चाहते हो तो खाने को चाप कर खाना, 20 बार चाप कर खाना। जब खाते हो मुंह को बंद कर खाना, माने चापने का टाइम मुंह बंद कर खाना, ऐसा नहीं है आपको वोट इतना आवाज नहीं आना चाहिए, मुंह को बंद कर खाना। इसलिए मुंह को बंद करना क्योंकि आप मुंह खोलेंगे तो हवा चला जाएगा, हवा अंदर जाएगा तो आपका जो लार है वो ड्राई हो जाएगा तो डाइजेस्ट में प्रॉब्लम। तो इसलिए मुंह को बंद कर खाना बहुत जरूरी है, और खाने को चपाकर खाना बहुत जरूरी है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है पानी। पानी कैसा पीना, आपका पेट जो है, आपका पेट में हजम होता है, जो खाना मुंह से आप चापते हो फिर पेट में जाता है, आपका पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक गर्मी, ये एक आग जैसा आता है, यू नो, सो आग जैसा उजलता है। तो ये क्या करता है, ये आग जैसा रहने में आपको ज्यादा भूख लगता है, तो आप क्या करते हो, खाना खाते हो, ये आग उसे हजम कर लेता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इंटेलिजेंट लोग खाने के पहले दो ग्लास पानी पी लेते हैं। तो पानी पीने में क्या होगा, ये जो आग है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है,
वो ठंडा हो जाता है, उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो इसीलिए खाने से आधा घंटा पहले आधा घंटे के बाद पानी नहीं पीने का, ये पानी पीने का तरीका है। बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको यही सिखाओ, आधा घंटा पहले आधा घंटे बाद में पानी पियो। ये सिंपल स्टेप है, सिंपल टिप्स है, बट बहुत बेहतरीन काम करेगा आपका शरीर के लिए। ये जो जो छोटे छोटे चीज, खाने को चाप कर खाओ और आधा घंटे का पहले और आधे घंटे का बाद में पानी नहीं पीनो खाने का टाइम, और अच्छा न्यूट्रिशन खाओ। ज्ञानोडर्मा को जितना हो सके, कैसा हो सके, अगर आपका आपका घर में जो रेशन जो लिख रहे हो, एवरीडे एवरी मंथ का जो रेशन लिख रहे हो, सब्जी और चावल दाल, इसमें जरूर ज्ञानोडर्मा होना चाहिए, आरजीजीएल स्पाइरुलिना जरूर होना चाहिए, बिकॉज आपका घर का रेशन है ये। सो देन ओनली यू कैन एंश्योर द हेल्थ फॉर योर फैमिली।